गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेड पड़ी है, यहाँ मलाई पड़ी है, यहाँ पे ये जैम पड़ी है, यहाँ पे ये मिक्सचर है, यहाँ पे चॉकलेट है। तो हम इन सब से आज हम केक बनाने वाले हैं बिना बेक किए किसी भी चीज को। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, तो पहले मैंने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये मैंने ब्रेड लिया है, तो जो इसके कॉर्नर्स हैं पहले हम उनको कट कर लेंगे। तो कट कर लेते हैं पहले। ऐसे आराम आराम से कट करना है आपको भी बिल्कुल। गाइस ये वेज है बिल्कुल, आपके घर में इसको कोई भी खा सकता है। तो गाइस देख सकते हैं आप, ये मैंने इसके बाउंड्री हटा ली है। तो ऐसे ही मैं फोर ब्रेड का एक केक बनाने वाला हूँ, तो आप भी हटा लें सारे केक की, फिर मिलते हैं। तो गाइस मैंने सारी ब्रेड्स के कॉर्नर हटा लिए हैं, हल्का हल्का चलता है, कोई बात नहीं। तो अब हम सेकंड अपने स्टेप पे आते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये दही ली है और सॉरी मलाई ली है। तो इसके अंदर अब हम ये जैम्स के 3 पैकेट डाल देंगे और इसको कम से कम 10 मिनट तक हिलाते रहेंगे। 3 पैकेट डालने हैं, बाकी अगर आप कम या ज्यादा डालना चाहो तो आप कम ज्यादा भी डाल सकते हैं। तो गाइस आप भी डाल लें। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसमें जैम डाल लिया है, तो अब इसको हम हिलाएंगे। कम से कम 10 मिनट तक हिलाना है, बाकी आप कम भी हिला सकते हैं। जब ये बिल्कुल प्लेन हो जाए तब आप बंद कर सकते हैं हिलाना, बाकी 10 मिनट तक तो हिलाना है अच्छी तरह से, जब तक ये प्लेन ना हो जाए। तो आप भी हिलाते रहें। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये मिक्स कर लिया है, अब इसमें रंग भी आ गया है, और देखो ये जो मलाई है वो भी बची हुई है। तो हमको ऐसा ही रखना है, उसके बाद इसके ऊपर लगा के ऐसे ऐसे हमको, मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो गाइस पहले हमको एक ब्रेड लेनी है, उसके ऊपर ये जो हमने हर्शीज की चॉकलेट ली है पहले इसको लगाना है, ऐसे हिलाना है अच्छी तरह, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी किसी चीज में भी, फुल लगाना, बस कोनों पे थोड़ा थोड़ा कम लगाना। बस इतनी लगानी है, कोनों से छोड़ देनी है। और अब उसके बाद अपनी वही जो हमने अभी क्रीम बनाई है वो लगानी है। ये देखो गाइस कितनी अच्छी लग रही है, हमारे एक ब्रेड तैयार है। ऐसे सारी ब्रेड पे कर लेंगे, तो पहले मैं कर लेता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने केक तैयार कर लिया है। अब सबसे ऊपर वाले केक पे पहले हमको ब्लैक क्रीम लगानी है, फिर उसके बाद जो हमने क्रीम बनाई थी मलाई वाली वो लगानी है, फिर उसके बाद दोबारा ब्लैक लगानी है। तो इसलिए ऐसा रंग आ रही है, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो उसके बाद मैं बताता हूँ क्या करना है। तो जो साइड है वहां पे आपको थोड़ी सी ये वाली लगानी है, थोड़ी सी ब्लैक वाली लगानी है साइडों में। मैं आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे कह रहा हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये साइड है, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे करके थोड़ी ये लगानी है एक तरफ, दूसरी तरफ ब्लैक वाली लगा देना, आपकी मर्जी है, आप मिक्स भी कर सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं आप। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये केक तैयार है। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी ये जो हमारी जैम्स हैं और चेरी है उसको इसके ऊपर डाल देंगे, ऐसे इसको डेकोरेट कर देंगे अच्छे तरह से। तो वैसे एक बार ये जरूर ट्राई करें, थोड़ी शक्ल इसकी थोड़ी अगर आपको ना लग रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मैंने बहुत बारी ट्राई किया इसको। तो गाइस थोड़ा सा साइडों में भी लगा देंगे इसके।
ऐसे करके लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर लग चुका है, साइडों में भी लगा देंगे। गाइस इसके ऊपर हम जैम से नेम भी लिख सकते हैं, बाकी मैं नेम नहीं लिख रहा हूँ, थोड़ी सी बस फैला रहा हूँ। तो गाइस हमारा ये केक तैयार है। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, जरूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जरूर से लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।